गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं घनश्याम गुड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक पाँच बेलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड सेकंड ईयर जनरल विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वह है रूढ़िवादिता की अवधारणा, विशेषताएं, प्रभाव। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने रूढ़िवादिता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम रूढ़िवादिता अवधारणा के क्या दुष्परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तो रूढ़िवादिता से जो आशय उस प्राचीन परंपराओं से है जिनका समाज के अंदर अज्ञानतावश पालन किया जाता है, जैसा कि लड़की को प्रायः धन मानना, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, अशिक्षा आदि, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। एक पति अपनी पत्नी से इसलिए नौकरी नहीं करवाना चाहता क्योंकि उन्हें स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी, अधिक स्वतंत्रता मिलने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, इसके कारण स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया जाता है, वह शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती, महिला सशक्तिकरण के प्रयास असफल हो जाते हैं। इसके साथ साथ रूढ़िवादिता की धारणा के चलते ही स्त्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो स्त्री विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो जिस समाज में स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता हो, असमानता का भाव रखा जाता हो, वह समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता। आवश्यकता इस बात की है कि रूढ़िवादिता की धारणा को समाप्त किया जाए। ऐसी परंपराएं जिससे समाज का अहित होता है, समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, उन परंपराओं को समाप्त किया जाए तथा स्वस्थ परंपराएं स्थापित की जाएं जो समाज के विकास और स्त्रियों के विकास में सहायक सिद्ध हो पाए। क्योंकि रूढ़िवादिता की धारणा के चलते ही स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, उनकी दशा खराब हो जाती है। प्रोफेसर एस के दुबे ने अपने शब्दों में कहा भी है, रूढ़िवादिता का आशय उन सामाजिक गतिविधियों, नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं के प्रचलन से है जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार, तार्किक आधार नहीं होता, न ही इसका कोई मानवीय आधार होता है, और ये परंपराएं प्राचीन समय से वर्तमान समय तक चली आ रही हैं। जो कथियों पत्थर की लकीर मानकर इन रूढ़ियों का पालन समाज के सदस्यों के द्वारा करवाया जाता है और स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। तो रूढ़िवादी परंपराएं पूर्ण रूप से अमानवीय हैं, अनैतिक होती हैं, क्योंकि इन परंपराओं का कोई तार्किक आधार नहीं होता। ये सभी रूढ़िवादी परंपराएं विविध प्रकार की कल्पनाओं पर आधारित होती हैं जो कि समाज के विकास और स्त्री के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक समाज में परंपराएं पाई जाती हैं जिसका पालन करना समाज के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है, परंतु कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, लैंगिक भेदभाव आदि
इससे समाज के विकास अवरुद्ध हो जाता है। दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को जला दिया जाता है। दहेज प्रथा के कारण ही अभिभावक या माता पिता कर्ज के बोझ से दब जाते हैं और उन्हें आत्महत्या तक का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसी परंपराएं जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती हों, स्त्रियों की समस्याएं बढ़ाती हों, इन परंपराओं का निराकरण किया जाना चाहिए। समाज में स्वस्थ परंपराएं निर्मित की जाएं, जिससे कि लैंगिक भेदभाव असमानता समाप्त की जा सके। कल हमने रूढ़िवादिता की विशेषताएं कर ली थी, जैसा कि पहली विशेषता थी कल्पना पर आधारित, कल्पना पर आधारित है। दूसरी है अंधविश्वास की प्रक्रिया है। अंधविश्वास की प्रक्रिया मानी जाती है। तीसरी है अज्ञानता की प्रक्रिया है, जिसका कारण अज्ञानता वश किया जाता है। इसी प्रकार एमआरपी प्रक्रिया लिंग भेद की प्रक्रिया मानी जाती है। एमआरपी प्रक्रिया लिंग भेद की प्रक्रिया एलआरपी प्रक्रिया पैदार्थिक प्रक्रिया चहुमुखी विकास की बात है। चहुमुखी विकास की बात है। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा रूढ़िवादिता की धारणा एक अविकसित प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही समाज में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो विशेषताओं के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, रूढ़िवादिता के दुष्परिणाम या प्रभाव क्या है। दुष्प्रभाव या परिणाम क्या रहे, तो सबसे पहले है रूढ़िवादिता परंपरा के अंतर्गत नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं में उन परंपराओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि अंधाधुकरण एवं अंधविश्वास को प्रेरित करती है। जैसा कि नंबर एक है शिक्षा संबंधी परिणाम। नंबर एक है शिक्षा संबंधी परिणाम। रूढ़िवादी समाज में शिक्षा संबंधी परिणाम सर्वोत्तम रूप में नहीं होते। शिक्षा संबंधी योजना का लाभ प्रत्येक बालक और बालिकाओं को समान रूप से नहीं मिल पाता। इसके परिणाम इस प्रकार के हैं, जैसा कि नंबर एक पर है, रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत शिक्षा की स्थिति सही नहीं होती। इस समाज में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय हो जाती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में शिक्षा संबंधी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, अर्थात सरकार का 100% नामांकन का लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो पाता।
क्योंकि अभिभावक बालकों के समान अपनी बालिका शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं देते। रूढ़िवादी समाज बालिका शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में शिक्षा की स्थिति असंतुलित रूप में होती है। समाज के कुछ व्यक्ति तो शिक्षा को महत्व देते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति शिक्षा को महत्व नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण शैक्षिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का विकास नगण्य रूप में होता है, क्योंकि इस समाज के अंतर्गत जादू टोनों में विश्वास रखा जाता है, जिससे शिक्षा का वास्तविक उपयोग समाज के हित में नहीं हो पाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में संपूर्ण साक्षरता दर कम होती है, अर्थात स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के कम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। उन्हें घर के कार्यों में दक्ष रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्त्री के कार्य क्षेत्र को सीमित कर उसे घर की चार दीवारी में ही कैद कर लिया जाता है कि बालिका को पढ़ाकर करना क्या है, इसे तो घर गृहस्थी आनी चाहिए। शिक्षा तो बालकों के लिए ही उपयुक्त रहती है। अतः अभिभावक जो रूढ़िवादी समाज के सदस्य हैं, वह बालिका शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत शिक्षा का जो विकास है, बालक बालिकाओं के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। इससे समाज में लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी परिणाम। रूढ़िवादिता के परिणाम स्वरूप समाज में स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य विकास जो है संतुलित रूप से नहीं हो पाता है। इसके परिणाम इस प्रकार से हैं, जैसा कि नंबर एक, रूढ़िवादी समाज में पुत्र पुत्री में भेदभाव किया जाता है। पुत्र वंश चलाने वाला माना जाता है, अतः उसके खान पान रहन सहन वेशभूषा पर अच्छा ध्यान दिया जाता है, जबकि पुत्री को कम पौष्टिक भोजन दिया जाता है, इससे उसका स्वास्थ्य संतुलित नहीं रह पाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत चिकित्सा पद्धति में कम विश्वास रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अंधविश्वासों के रूप में जादू टोने में विश्वास किया जाता है। परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत सदस्यों की जो स्थिति है दुर्बल कमजोर बन जाती है। इसी प्रकार से रूढ़िवादी समाज में पुत्रियों को रूखा सूखा बचा हुआ भोजन करवाया जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी सभी पुरुषों के बाद बचा हुआ भोजन ही ग्रहण कर पाती है। तो इस प्रकार समाज में स्त्रियों का स्वास्थ्य पुरुषों की तुलना में खराब रहने लगता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत बाल विवाह की परंपरा देखने को मिलती है, जो स्त्री के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इससे स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है, कम उम्र में ही वह विधवा हो जाती है तथा गर्भावस्था के दौरान उसकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि बाल विवाह के कारण उसका शरीर पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो परिणाम स्वरूप स्त्रियों का स्वास्थ्य दुर्बल कमजोर बन जाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत नियोजन के साधनों को नहीं अपनाया जाता, अर्थात परिवार नियोजन के साधनों को नहीं अपनाया जाता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी उत्पन्न होती है तथा कई बार बच्चे को जन्म देते समय स्त्रियों की मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में टीकाकरण
और पल्स पोलियो अभियान जैसी उत्तम व्यवस्था के लिए भी भ्रम फैला दिए जाते हैं, जिससे सरकार को समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों का स्वास्थ्य दुर्बल और कमजोर बन जाता है। इसी प्रकार तीन पर है सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। सामाजिक व्यवस्था संबंधी परिणाम। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः अव्यवस्थित विसंगति पूर्ण होती है। इसमें स्त्री और पुरुष की मानसिक सोच संकीर्ण रहती है, परिणाम स्वरूप रूढ़िवादिता समाज के लिए कलंक बन जाती है। सामाजिक परिणाम इस प्रकार से हैं, जैसा कि नंबर एक, रूढ़िवादी समाज में प्रायः स्त्रियों की स्थिति पुरुष वर्ग की तुलना में निम्न स्तर की होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री वर्ग का समाज में शोषण होने लगता है। स्त्री को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता है, इसके कारण स्त्रियों का चहुंमुखी विकास संभव नहीं होता। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य एवं व्यवहार में सर्वोत्तम स्थिति नहीं आ पाती। प्रत्येक व्यक्ति सब हित के बारे में विचार करता है तथा सार्वजनिक हित के प्रति अज्ञानता ही रहती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत अंधविश्वासों को महत्व दिया जाता है। इस समाज के व्यक्ति वैज्ञानिक तथ्यों को कम ही स्वीकार करते हैं। इसके अलावा रूढ़िवादी समाज में स्त्रियों को कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जाता है, अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इस प्रकार स्त्री पुरुषों के मध्य अधिकार और कर्तव्यों का स्वरूप असंतुलित रहता है, जिससे सामाजिक विकास जो है पूर्णतः असंतुलित ही होता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में स्त्री जागरूकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ऐसे समाज में बालिका शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती, ना ही संघर्ष कर पाती है। वह घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है, इससे समाज में उसके शोषण को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत जातिगत भेदभाव की स्थिति व्यापक रूप से देखी जाती है। इससे विकास धारा समाज की विकास धारा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में मानव धर्म न मानकर विविध धर्मों का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। समाज में अनेक सांप्रदायिक धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, जिसमें अपार जनधन की हानि समाज को उठानी पड़ती है। तो इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत ही जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की भावनाएं रखी जाती हैं, जिससे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाजों के अंतर्गत आधुनिकीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाता और न ही वैज्ञानिक तथ्यों को महत्व दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही देह प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो नियम हैं ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्न स्तरीय संकीर्णता से उत्पन्न होती है, स्वस्थ परंपराओं का अभाव देखा जाता है और रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वासों का अधिक प्रभाव ऐसे समाजों में होता है, जिससे समाज विकास नहीं कर पाता। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है रूढ़िवादी धारणा के चलते। आइए अब देखते हैं आपके प्रभाव।
आर्थिक प्रभाव। तो इसी प्रकार रूढ़िवादिता के आर्थिक परिणाम भी महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि रूढ़िवादी समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान कार्य करने के अवसर नहीं मिल पाते, स्त्रियों की योग्यता का प्रयोग समाज के हित में हो नहीं पाता है, क्योंकि रूढ़िवादी समाजों के अंतर्गत स्त्री अपनी योग्यता और प्रतिभा को दिखाने में असमर्थ रहती है, जिससे समाज का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार रूढ़िवादिता के कारण ही समाज में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे उत्पादन की स्थिति भी निम्न ही होती है। इसी प्रकार रूढ़िवादिता की धारणा के चलते ही औद्योगिक विकास नगण्य होता है। समाज में जब कृषि व्यवस्था में ट्रैक्टर, इंजन, ट्राली, हैरो आदि का उपयोग नहीं होगा, तो उद्योगों के विकास की गति धीमी होगी, औद्योगिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में प्राकृतिक साधनों का उचित विद्रोहन नहीं हो पाता है, जैसे कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों में यदि कोयला खनन के सर्वोत्तम तकनीकी का प्रयोग न किया जाए तो कोयले से प्राप्त आर्थिक लाभ अधिक नहीं हो पाते, इससे समाज की आर्थिक स्थिति निम्न हो जाती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी समाज में विज्ञान और तकनीकी का स्तर भी निम्न ही रहता है, जिससे उत्पादन संबंधी क्षमता प्रत्येक क्षेत्र में निम्न ही होती है। इसी प्रकार रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया निम्न स्तर की बन जाती है, क्योंकि रूढ़िवादी समाज सहयोग एवं व्यापक रूढ़िवादी समाज के अंतर्गत सहयोग एवं व्यापक सोच का अभाव ही रहता है, इससे विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग का अभाव देखा जाता है। तो इस प्रकार रूढ़िवादिता विश्व के आर्थिक स्तर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो कह सकते हैं कि हमारे समाज में रूढ़िवादिता समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपने दुष्प्रभावों का प्रदर्शन करती है। विकास के मार्ग से चलने से पूर्व रूढ़िवादिता को समाज से उन्मूलित करना आवश्यक है, क्योंकि विकास और उन्नयन संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने में रूढ़िवादिता सबसे बड़ी बाधा है। अतः समाज को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए रूढ़िवादिता विचारधारा को समाप्त करना होगा। ऐसी परंपराएं जो समाज के विकास में बाधक हैं, इन्हें हटाना होगा। लैंगिक भेदभाव असमानता समाप्त करनी होगी। स्त्री पुरुषों को एक समान अधिकार दिए जाने होंगे। महिला सशक्तिकरण के उपाय किए जाने चाहिए। इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए तथा महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाए, जिससे कि एक स्वस्थ विकसित समाज की स्थापना की जा सके। क्योंकि समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही स्त्रियों का माना गया है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अतः समाज में लैंगिक भेदभाव असमानता समाप्त होनी चाहिए। रूढ़िवादिता विचारधारा समाप्त होकर स्वस्थ परंपराओं को निर्मित किया जाए, जिससे समाज में लैंगिक समानता स्थापित हो सके। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है रूढ़िवादिता यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।